उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण संकल्प अभियान की शुरुआत आज से की गई है, जिसमें महिलाओं द्वारा ही महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा। जो महिलाओं की टीमें बनाई जाएंगी, जो गांव-गांव शिविर के माध्यम से और जनसंपर्क के माध्यम से लोगों को, जो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की जो महिला सशक्तिकरण के संबंध में जो योजनाएँ चल रही हैं उनके बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही अगर कोई पात्र मिलता है या कोई पीड़ित है, वो उससे जो है लाभान्वित नहीं हो पाया है, किसी तरीके से अभी तक उसको लाभ नहीं मिल पाया है, उनको भी चिन्हित करेंगे और उनका कोशिश रहेगी कि उनको उस योजना का लाभ दिया जा सके। आज महिला सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत आगरा में की गई, लेकिन यहाँ पर तकनीकी खराबियों के चलते ना योगी का कार्यक्रम कोई देख सका, ना ही उन्हें कोई बात समझ में आई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुर्सियाँ खाली हैं और अभी तक योगी का कार्यक्रम ऑनलाइन नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी अधिकारी दावा कर रहे हैं कि हम अभी बात कराएंगे, जबकि सारे एनएम कार्यकर्ता यहां से जा चुके हैं। अधिकारी कोई भी यहां नहीं मौजूद है और कार्यक्रम ना शुरू हो पाया और ना ख़त्म हो पाया। इसी तरह से यह कार्यक्रम अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया है। आगरा से अविनाश जायसवाल, ETV भारत के लिए।